हम धार्मिक स्थलों पर क्यों जाते हैं, प्रार्थना क्यों करते हैं, क्यों हमारे मन में ईश्वर को लेकर इतना विश्वास है? वो शायद इसलिए क्योंकि हम में हमेशा एक उम्मीद रहती है, उम्मीद उस ऊपर वाले से कि वो हमें हर मुश्किल से बचा लेगा। जहां एक तरफ हालात के मारे लोग भगवान की शरण में आते हैं, तो वहीं कुछ चोर उचक्के भक्तों की भीड़ का फायदा उठाकर अपराध करने से भी नहीं चूकते। भगवान की शरण में कुछ पाने के लिए आने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ खो बैठते हैं। रमाकांत, अरे उठ रे बाबा, कितनी झोपना रहे तू, हाँ उठ, कामा न जाए ना। चल बाबा उठी झालाय, उठ ना। राजेश, अरे म्हातारीला खून गेला, खून खून। ए मंग्या, अरे लवकर रस्सी घेऊन ये, रस्सी घेऊन ये, रस्सी घेऊन ये, म्हातारीला बांधून ठेवा। अरे हॅलो, पोलीस स्टेशन। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मेरा लड़का नाम रमाकांत, रमाकांत मेरा लड़का किधर घूम गया ऐसा कि माँ उधर ही बैठी है जिधर बिठा के गया था, इंतजार कर रही हूँ। बोलो कौन है दुकानदार, किसने किया था फोन? सब राम राम सर। क्या देखा तुमने? सब रोज सुबह सुबह दुकान मैं खोलता हूँ, पिछले 10 साल से मेरी दुकान यहीं पे है सर, मैं चला रहा हूँ। रोज की तरह आज भी जब सुबह दुकान खोलने आया तो देखो अच्छी तरह से चेक करो सब। सर, सर विक्टिम के पर्स से ये मोबाइल वॉलेट पैसा ऐसा कुछ नहीं मिला है। एक बस की टिकट मिली है मंजरी से कल्याण तक, और एक कुछ बिल्स है, लेकिन सर ये बिल्स भी यहीं के। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ और इस माता जी को पुलिस स्टेशन लेके चलो। हो सर। साहिब, साहिब आसपास अच्छे से पूछताछ की, ना तो किसी ने खून होते देखा है और ना ही किसी को कुछ मालूम है। बॉडी के आसपास भी मर्डर का वेपन नहीं मिला है, आसपास पूछताछ करो, जैसे ही कुछ पता लगता है हमें इन्फॉर्म करो। हो सर। ये चलो इन। हमारा आज का ये केस एक ऐसा अनोखा केस है जहां पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां थी, लेकिन फिर भी पुलिस की मुस्तैदी ने इस बेहद उलझे हुए मर्डर केस को महज 24 घंटे के अंदर ही सुलझा दिया। ए, क्या मांगते? चल आगे जा, आगे जा, चल चल चल। ए, रुक रुक, चोर 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 चोर, रुक रुक। क्या नाम है आपका, कहां से आई हैं? ये मर्डर किसने किया, क्या आपने उसे देखा है? क्या उसका नाम रमाकांत था या जिसका मर्डर हुआ वो रमाकांत? देखिए आप जो कुछ भी जानते हैं प्लीज हमें बता दीजिए। चहा, माझा चहा कुठे आहे? क्या चिक 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 करता रहता है। अरे मैंने चहा क्यों नहीं, तुमको घर वालों ने सिखाया नहीं? घर में कोई मेहमान आए तो उसको चाय नाश्ता कराते, चाह ना जल्दी लेके आ, मेरे को औषध खाएगा है। लेके आ, जल्दी लेके आ। अरे जा बाबा जा। रमाकांत कहाँ चला गया? पाटिल सर, मुझे लगता है जिसका मर्डर हुआ है वही सौरभ का रिश्तेदार है, दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसने उसे मार दिया और अब बचने के लिए नाटक कर रही है। सर मेरे को लगता है अगर कांस्टेबल रेशमा अपने स्टाइल में पूछताछ करेगी तो जरूर बताएगी। कांस्टेबल रेशमा से कहो इससे पूछताछ करे, और तुम मंदिर और उसके आसपास के एरिया में अच्छे से पूछताछ करो,
शायद कहीं कोई हो जिसने कुछ देखा हो, कुछ जानता हो सर। बोल, क्यों मारा उसको? अबे ये बोल ना, काय विचारते मी? कोण होता तो? साथ कैसे किती हो खोबाड़े? क्या किया था उसने? बोल। क्या किया मैंने? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। दर्शन करने को टाइम लग गया तो उसे मैं क्या करती? बिना दर्शन के आ जाती वापस? तुम बोलो। लेकिन रमा खान को वहां रुकना चाहिए था ना? हाँ, रुकना चाहिए था ना? लेकिन मैं भी पागल, बहुत परेशान करती हूँ उसको। उसी ने तुमको भेजा ना मेरे को डराने के लिए, मारने के लिए। हाँ, मारो मेरे को, मारो डराओ। सर, हमने होटल से लेकर रोड, बस स्टैंड, धर्मशाला, हर जगह पूछताछ की, पूरा एरिया छान मारा, लेकिन विक्टिम को कोई नहीं पहचानता। सर, हो सकता है वो आदमी रात में आया होगा और आते ही इस औरत ने उसे मार डाला। सर, मैंने भी उस औरत से अच्छे से पूछताछ की। मला नहीं वाटत सर ती नॉर्मल पेशेंट असेल म्हणून। मुझे तो वो मेंटल पेशेंट लग रही है। क्यों? ऐसा क्या नाटक कर रही है? नाटक तो नहीं कर रही है सर, लेकिन वो बीच में इमोशनल हो जाती है। अरे आजी, ओ आजी, कुठे चालला? किधर जा रहे हो? अरे मैं अपने नातू को लेने को जाती, स्कूल का टाइम हो गया ना, मेरा नस्ब देखता होएगा। ए माता रे, खूब नाटक झाली था तुझी। बैठ बैठ, इधर बहुत नाटक चल रहा है तेरा, बैठ। सुन भाई, अरे तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? हाँ, अरे काय तरी जेवण आण, शुभम आल्यावर भूक लागली बोले तेव्हा जाशील। ओ आजी, गप्पा बसा, काहीच बोलायचं नाही आता, एकदम चुप बैठने का। बेटा, ये घर किसका है? पाटील, लक्ष ठेवायच्यावर। सर, मुझे नहीं लगता ये बुढ़िया कुछ एक्टिंग कर रही है सर, कुछ तो हुआ है उसके साथ, शायद कुछ दिमाग की बीमारी। हमारे बाजू में भी एक बुढ़ा रहता है सर, उसका भी इसकी तरह दिमाग बीच में ऑन ऑफ होता रहता है। सर, हमने विक्टिम की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेज दी है, मिसिंग कंप्लेंट से एटलीस्ट पता चल सके कि वो कौन है। गुड, मंजरी में भी सब जगह भिजवा दूं, क्योंकि ये आदमी मंजरी से कल्याण यहाँ मंदिर तक बस में आया, और अपने लोगों और खबरियों से भी पता करो, शायद कोई कुछ जानता हो। सर, और हाँ, आज ही को हॉस्पिटल लेकर जाओ, चेकअप करवाओ, ताकि पता चले कि वो वाकई प्रॉब्लम में है या नाटक कर रही है। सर, दादा मिर्ची देना जरा। ठीक है। ए, ए, क्या करते हैं तू? हाँ भाई जी, हाँ चल जा। आराम से आइए। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. माहित नाही कुठे राहिले, फोन पण नाही लागत आहे। फोन तो कभी चार्ज करते हैं नहीं, बोलो तो कभी नहीं सुनते। कल रात को आने वाले थे, इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गए। अरे आई तो क्यों परेशान होती है, आ जाएंगे। उस आदमी की बॉडी हमें यहीं से मिली थी, आसपास कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। चोर 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 चोर, अरे पकड़ो चोर। ए थाम थाम, क्या करो, रुको, इसे पकड़। अरे सर, ये चोरी करके भाग रही है। क्या चोरी किया आपने?
चीज के लिए इसके पीछे आ रहा हूं। चलो भागो यहां से। आपका नाम क्या बेटा? आपके मम्मी पापा कहां हैं? ठीक है, आप हमारे साथ चलो। डरो नहीं, आप अपने पुलिस अंकल के साथ हो, आपको कुछ नहीं होगा। बैठो। पाटिल सर, पता करो कि ये बच्ची किसकी है। जैसे इसके माँ बाप का पता चले उन्हें थाने में बुलाओ, लेकिन क्रॉस चेक करे बगैर इस बच्ची को नहीं सौंपे। सर। भावेश इकड़े, बच्ची के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर। बेटा आपका नाम क्या है? बहुत भूख लगी है, और खाओगी? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रेशमा। यस सर। कुछ बताइए सर। नहीं सर, मुझे तो लगता है ये सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते सर, मूक बधिर की तरह लगती है मुझे। इशारों में पूछो। अरे वो आपका नाम पूछ रही है। बेटा आप बोल सकती हो? आपका नाम क्या है बेटा? डरो नहीं बेटे, बताओ क्या नाम है आपका? ये इनकी डिटेल रिपोर्ट है। कल रात्रि है ना रुके, अभी तक नहीं आए। हमें लगा कल रात में ही आए तो सुबह के बस से आ जाएंगे। अभी फोन भी नहीं लग रहा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, संध्या का 8 पर्यंत वार्ड बुक है। छोटा बच्चा तो है नहीं जो कहीं गुम जाएगा, किसी काम में फंस गया होगा, बस छूट गई होगी, मोबाइल चार्ज करना भूल गया होगा। शाम तक नहीं आया तो चलते हैं पुलिस स्टेशन। नहीं काका, मतलब खूब टेंशन आ रहा है, वो ऐसा कभी नहीं करते। प्लीज काका कुछ करिए। ठीक है बेटा, चलते हैं ढूंढ। ये लो बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? निम्मू। निम्मू, पूरा नाम क्या है? नम्रता। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं बेटा? आप घर से भाग के आई हो? अच्छा बेटा, आपको अपना घर याद है? मुझे नहीं जाना, वो राक्षस मुझे जला देगा। नहीं जाना, वो राक्षस मुझे जला देगा। डरो मत बेटा, ये आप चॉकलेट खाओ बेटा, कोई राक्षस नहीं जलाएगा, खाओ। डरो मत। इसका राक्षस कौन हो सकता है? कोई घर का या फिर कोई बाहर का, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने भी कोई मर्डर होते हुए देख लिया? इसकी तस्वीर भी सब जगह सर्कुलेट करवाओ, पता करो कि कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट हो तो इन्वेस्टिगेट करो। और हाँ, फिजिकल असॉल्ट के लिए भी मेडिकल चेकअप करवाओ इसका। बाल अवस्था में दिमाग एक ऐसी गीली मिट्टी की तरह से होता है कि जिस पर जो भी निशान पड़ते हैं बहुत गहरे पड़ते हैं। हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन बच्चों के कोमल मन पर उनके साथ हुए ऐसे वाकयात सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। निम्मो उर्फ नम्रता के दिमाग पर भी ऐसे ही निशान खर कर गए थे। उसका बार बार ये कहना कि कोई राक्षस मुझे जला देगा, इसके पीछे क्या रहस्य था? कौन था ये राक्षस? और दूसरी तरफ उस बुजुर्ग महिला का क्या भेद था? उसका घर परिवार कहाँ था? कत्ल के केस से शुरू हुआ यह सिलसिला अब 2 दिशाओं में चल रहा था। पुलिस के सामने हर कदम पर एक नई चुनौती थी, लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ पुलिस टीम इस उलझे हुए केस को सुलझाने में लगी थी। जी डॉक्टर। जी ओके डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ सर? पाटिल, डॉक्टर का कहना है कि इस औरत को अल्जाइमर की बीमारी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। इसमें भी ल्यूसिड और नॉन ल्यूसिड 2 चीजें होती हैं। ल्यूसिड में तो कुछ याद भी रह जाता है, लेकिन नॉन ल्यूसिड में कुछ भी याद नहीं रहता। और इस उम्र के व्यक्ति को अगर यह बीमारी हो तो कुछ भी याद रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सर क्या इस बीमारी की वजह से कोई किसी का खून भी कर सकता है? पाटिल डिपेंड्स, अगर सामने खतरा हो तो जानवर भी नहीं छोड़ता। और इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशन ये है,
कि अगर पेशेंट ने खून कर भी दिया तो हो सकता है कि अगले ही पल उसे याद भी ना रहे कि उसने खून कर दिया। एक काम करते हैं पाटिल, अगर इन्हें ये बीमारी है तो कहीं ना कहीं इनका इलाज भी हो रहा हो। शहर में हर क्लिनिक और हॉस्पिटल में जहां इस बीमारी का इलाज होता हो इनकी फोटो सर्कुलेट करो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। पाटिल, हो सकता है इन्होंने ये खून ना किया हो, लेकिन हो सकता है खूनी को देखा हो। इट्स ए स्पेशल केस, खून का रीजन चोरी भी हो सकता है, क्योंकि उस लाश के पास से ना तो मोबाइल मिला ना ही वॉलेट, जो कि आज हर किसी आदमी के पास होता है। और पाटिल, जो बिल्स मिले हैं उस पर खरीदा गया सामान ना तो इस औरत के पास है ना ही उस लाश के आसपास था, तो चोरी भी इस मर्डर का एक रीजन हो सकता है। लेकिन सर सवाल एक ही है कि बस से ट्रेवल करने वाले आदमी की जेब से ऐसा क्या मिलेगा? रघु, कल रात जो है मर्डर हुआ उसके बारे में कुछ जानता है क्या तू? जी सर, सुना है उसके बारे में पर देखा नहीं। और कोई खबर? हाँ, एक खबर है, जो यहाँ का तड़ीपार है पकिया राजन बंटी, उसको इसी एरिया में देखा है ना, दो दिन पहले ही। अच्छा, कुछ और मालूम पड़ता तो फोन कर मुझे। हो सर, ठीक है। सर सर, जो तीन लड़के तड़ीपार, लकी, पकिया और राजन, उन तीनों लगता है शहर में वापस आ गए। इन्वेस्टिगेट करते रहो, ठिकाना पता करो, और को भेजता हूँ मैं, और तीनों में से कोई भी मिले उठा लो। हो सर। बेटा निम्मा, आपको अपने मम्मी पापा की याद नहीं आ रही? अच्छा बेटा, आपने वो राक्षस कहाँ देखा था? नहीं बेटा नहीं, डरो मत, डरो मत। आपको भूख लगी है, कुछ खाओगे? आओ बाहर चलो। क्या पाटिल सर, आजी पे नजर रखो, कुछ भी बोलती हैं तो रिकॉर्ड करो। सर चलो। मेरी मम्मी कहती थी कि बदमाशी करोगी तो पुलिस अंकल के पास दे दूंगी, पुलिस अंकल मारेंगे, पर आप तो अच्छे हो। अच्छा बेटा बताओ क्या खाओगे? जलेबी खाओगे? अंकल वो राक्षस मुझे जला देगा, अंकल वो राक्षस मुझे जला देगा। कौन बेटा ये? ए किड़िया। जी सर। ये बेटा, इस बच्ची को जानते हो? सारी बच्ची तो तीन दिन से यही घूम रही है। ये लड़की है, ए, जा किधर? ए, ए, इतनी बरकी है नहीं, चोरी करती है, चल, भागे चल, चल। सही कह रहा हूँ सर। बेटा, आपने चोरी की? अगले राक्षस मुझे जला देगा, इसने मुझे मारा। क्या रे? मारा तूने बच्ची को? साहब, थोड़ा सा गुस्सा आ गया था तो धमका दिया। देख रही है? चला दूंगा इसमें। चल, चल भागे से, चल। आज के बाद अगर किसी भी बच्चे को डराया या मारा तो जेल में डाल दूंगा, समझा? चल जा। ठीक है बेटा, हमने उसे डांटा, और कोई भी अगर आपको डराएगा या मारेगा हम उसे डांटेंगे, जेल में डाल देंगे उसको। अब बताओ बेटा, आपके पापा का नाम क्या है? बोलो बेटा। हेलो, हाँ, अल्जाइमर की पेशेंट है। नहीं, नाम नहीं पता, उम्र लगभग 65 साल के आसपास होगी। मैं फोटो मेल करती हूँ, जल्दी से जल्दी अपने रिकॉर्ड लिस्ट में देखकर मुझे बताओ, लवकरात लवकर बांटवा। ओके रेशमा। यस सर। सगळे पुलिस चौकी मध्ये इन्फॉर्म केलं का? हो सर। ओ आजी कुठे? अरे रमाकांत, ये तेरे आने का टाइम है? हाँ, क्या काम करता है? अरे भुला वाईको, त्यांचा काय घासते आहे की नाही तुला? हाँ चल, साहब को फोन लगा, फोन लगा साहब को, अभी तेरी खबर लेती हूँ। हाँ वो सुनता लोकर है, ये भी नहीं सुनता है मेरी बात। जी, इस जगह को पहचानती है? रमाकांत, आता येणार आहे इथे, मला तू बोलला, तू इथेच बस आहे, जाऊ नको कुठे। अरे पर
मेरे को ना बांगड़े लेने का था, इधर ना बहुत अच्छी अच्छी बांगड़ा मिलते है। तो मैं... बांगड़े? हाँ चूड़िया चूड़िया। आई आजी, चूड़िया तो बड़ी मस्त लग रही है आपके हाथ में। हाँ यही है क्या रमाकांत साहब? ये आपकी माँ है क्या? कल आपको बहुत ढूंढ रही थी। नहीं, ये अपने परिवार से बिछड़ गई और इनकी दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से ये ठीक से कुछ बता नहीं पा रही है। ये कब आई थी यहाँ पे? कल शाम को आई थी साहब। अरे मौसी क्या चाहिए? बांगड़िया। हाँ हाँ कौन से रंग की? हे हीरो यार अंकल जी। हाँ हाँ है ना, एक मिनट देख बेटा, कामर ना सिगरेट मोड़ जाता। कितने पैसे झाले? 230 हुआ मौसी, पर तुम्ही 200 दे दो। ये बरोबर है ना? हाँ। अरे रमाकांत आएगा ना तो उसको बोलो तुम्हारी माँ उधर ही बैठी है जिधर बैठा के गया था, मैं उसका इंतजार करती हूँ। हाँ ए, अरे काय रे, तुला लाज नहीं वाटल? हाँ एवढी मोठी झाली आणि डोक्यावर पदर घेत नाही? हाँ काय आईने शिकवलंय की नाही तुला? चल डोक्यावर पदर घे घे देखो, इनके परिवार से कोई भी यहाँ आए और इनके बारे में पूछे तो बोल देने का कि पुलिस चौकी। हो साहब। आइए अच्छी। सर राजन के किसी भाई की शादी थी गोवा में, वो वहाँ है। ये तो न्यूज़ पक्की है, बाकी बचे गुरमीत और पकिया। पता करो। पुलिस को अब तक ना उस बुजुर्ग महिला के बारे में कुछ पता चला था और ना ही उस बच्ची के बारे में। मंदिर के पास मिली लाश की भी अब तक शनाख्त नहीं हो पाई थी। कौन था ये शख्स, कहाँ से आया था और किसने उसे मौत के घाट उतार दिया? कहीं इस वृद्ध महिला ने तो नहीं मार दिया उसे और अपनी बीमारी की आड़ में उसे छिपा रही है? रमाकांत, ये रमाकांत कौन है और ये लड़की कौन है? वो राक्षस मुझे जला देगा। और कौन है ये राक्षस? हर मार्केट, हर पुलिस स्टेशन, पूरे शहर में तहकीकात तेज कर दी गई लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। उनकी हर कोशिश एक डेड एंड पर जाकर खत्म हो रही थी। रहस्य गहराते जा रहे थे लेकिन पुलिस इसकी तह तक जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। अच्छा किया पाटिल जो फोटो यहाँ लगा दी, हो सकता है इसकी शक्ल बार बार देखकर इस औरत को कुछ याद आ जाए और ये भी हो सकता है कि ये औरत किसी आदमी के साथ मंदिर आई। पॉसिबल है सर, सारे पुलिस स्टेशन से रिप्लाई आ गया है लेकिन कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है, ना इस बुढ़िया की और ना ही इस बच्ची की और सर ना ही उस आदमी की जिसकी हमें लाश मिली थी। और वृद्धाश्रम और रेलवे स्टेशन? सर मैंने सारे वृद्धाश्रम, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे इनकी फोटो भेज दी लेकिन हमें अभी तक कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और सर जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती या खुद कुछ नहीं बोलती हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये बोलेंगी तो तब जब इन्हें कुछ याद होगा। ये बार बार रमाकांत और शुभम का नाम ले रही हैं। इस एरिया में रमाकांत के नाम पर जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ और शुभम, शुभम किसी बच्चे का नाम लगता है। ये बोल रही थी कि शुभम स्कूल से आ गया क्या? हो सकता है कि शुभम इसका पोता हो, हम कोई चांस नहीं ले सकते। आसपास के स्कूलों में शुभम नाम के बच्चों की लिस्ट चेक करो, मेरे ख्याल से इस शुभम की एज 8 से 10 साल है। सर तुम थोड़ा रुको, पूछ के आता हूँ। तुम्हें इतने थामा, थोड़ा और पूछना पड़ेगा। मैं तो
सर ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, इससे इतना तो कंफर्म है कि साहब ये तीन बड़ा पाव खाते में निकले। ठीक सर। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तू कि डॉक्टर का तू यहाँ कैसे? साहब अच्छा केस को पकड़ के ये बहुत लोग कुल्लू बना रहे बुड्ढी काय चला। अरे साहब ये बुढ़िया बहुत चालू चीज है। काय पाहिजे मौसी? वडा पाव। हाँ त्यातला द्या गरम गरम, चटणी घाल चटणी। तुरे बापा दोन वडापाव पार्सल माझ्या शुभ शुभमसाठी। हे मौसी पैसे तो दे। अरे पैसे देगा ना रमाकांत देगा। हाँ तो खाओ ऊपर से पार्सल करा लो, फोकट का माल समझाए क्या? आ जाते हैं कहाँ कहाँ से भिखारी। निकल। एक तरफ इस औरत ने 200 रुपए की चूड़ियां खरीदी और दूसरी तरफ बड़ा पाव खाके उसके पैसे भी नहीं दिए। इसके पास सचमुच पैसे नहीं थे या फिर ये जानबूझकर? हाँ जी इस लड़की ने कुछ बताया आपको? अरे कितना बड़बड़ बड़बड़ करती है। शुभम है ना, वो भी बताता था कि उसकी क्लास की सब लड़कियां ऐसे ही बड़बड़ करती है। शुभम शुभम कहाँ है? उसे खाना खाया है ना? हाँ उसके हाथ में मोबाइल मत देना, फिर आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ ठीक है हम नहीं देंगे, लेकिन इस लड़की ने कुछ बताया आपको? इसने बोला इसका नाम निमोनी एक परी है और इसके पीछे एक राक्षस बड़ा हुआ है। राक्षस का नाम बताया? रमाकांत। रमाकांत राक्षस है? रमाकांत शुभम कहाँ है दोनों? रमाकांत काम पर गया होगा, शुभम आया क्या? उसने खाना खाया? एक मिनट आजी, हम रमाकांत को लेके आते हैं, शुभम भी आता ही होगा। आप एक काम करेंगे? नहीं नहीं अभी इस उम्र में मेरे से काम नहीं होगा। परी ला बेचारा, तुम्हें घर में कौन कौन है? परी को ये परी पूछो। ए हाँ परी तुझे घर कौन कौन आए? रमाकांत है, शुभम है और पाटिल। मुझे लगता है कि हमें अपनी साइकेट्रिस्ट मैडम की मदद लेनी है। किसे ढूंढ रही है ये माँ बेटी? उस इंसान को जिसका खून हो चुका है या रमाकांत को या उस वृद्ध महिला को? न जाने इनकी खोज उन्हें क्या देने वाली है। हाय बेबी उठो, तुम्हारा नाम निम्मो है। अरे बेटा डरो नहीं, मैं तो दोस्त हूँ तुम्हारी। ये लो तुम्हारे लिए। लो लो तुम्हारे लिए ही है। हाय ये कितनी सुंदर परी है। ये परी कहाँ रहती है? इसके घर में कौन कौन रहता है? ये तो कितनी अच्छी बच्ची है, ये मुझे जरूर बताएगी। ये कहाँ रहती है और इसके घर में कौन कौन रहता है? मैं नहीं बताऊंगी, वो राक्षस मुझे मारेगा। कौन कौन राक्षस? रमाकांत। अरे तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अरे हम जो है अगर राक्षस आ जाएगा ना तो हम लोग उसे पकड़ के ले जाएंगे। इतनी खूबसूरत परी को कभी कोई राक्षस मार सकता है? कभी नहीं। बताओ तो तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे घर के पास बड़ा तालाब है। हाँ और पता है मेरे घर के पास पहाड़ भी है, वहाँ बहुत बारिश आती है, वहाँ शेर भी आते हैं और राक्षस भी। ये तो बताओ कि ये राक्षस कौन है?
इधर आ। क्या हुआ सर? ये पकिया कहाँ है? पकिया? नहीं मालूम सर, पकिया कहाँ है? चल। अरे साहब, मैंने काम छोड़ दिया साहब, पकिया कहाँ है मुझे नहीं मालूम साहब। पकिया के बारे में कुछ भी पता लगता है तो सीधा थाने फोन कर। हाँ हाँ जरूर साहब। परी हो तो बताओ ये राक्षस कौन है, कहाँ रहता है? इंस्पेक्टर अंकल आप एक काम करिए, वो राक्षस को फोन करके बुला लीजिए, कहिए ये परी नहीं है, इसे आके ले जाए। ठीक है। नहीं प्लीज प्लीज अंकल मत बताना। बताओ आंटी जो पूछ रही। मैं बताती हूँ। आ जाओ। अब मुझे बताओ ये राक्षस कौन है? मेरे पापा। तुम्हारे पापा? उन्होंने कहा है कि तुम्हें जलाकर मार दूंगा, इसीलिए मैं घर से भाग आई। पर तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों कहा? मुझे पता है कि मेरी मम्मी को भी उन्होंने जलाकर मार दिया था। वो बहुत गुस्सा करते हैं पुलिस अंकल। बेटा आपके पापा आप पर गुस्सा क्यों करते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। सिद्धू सिद्धू अरे कुठे गेला तो सिद्धू सिद्धू कहाँ छुपा के रखा है? कुठे गेला सिद्धू? तेरे साथ ही वो खेल रहा था ना, कुठे गेला तो बोल ना। क्या हुआ सिद्धू? सिद्धू मिल नहीं रहा है कहीं पे। कहीं नहीं मिल रहा मतलब? जरूर इसने कुछ किया होगा। तुम जाओ अंदर देखो। सिद्धू सिद्धू मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे गुस्सा आता है तो पता ना मैं क्या करता हूँ। मैं इंसान नहीं राक्षस हूँ राक्षस। और एक बात याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। बोल कहाँ है मेरा बेटा, वरना जैसे तेरी माँ को जलाया था ना वैसे मैं तुझे भी जला दूंगा। बोल जी तू कहाँ है? मुझे नहीं पता। बोल नहीं तो जिंदा जला दूंगा तुझे मैं। नहीं पता मुझे सिद्धू कहाँ है। सिद्धू सिद्धू मेरा बच्चा। क्या हुआ तुझे सिद्धू? मेरा बच्चा सिद्धू। सिद्धू सिद्धू क्या हुआ? सिद्धू क्या हुआ बेटा? सिद्धू इसीलिए मैं घर से भाग आई। मैंने सिद्धू को नहीं मारा, वो छुप गया था, हम लोग खेल रहे थे। बेटा आपके पापा का नाम क्या है? बताओ बेटा। विकास शिर्के। कहाँ रहते हैं? पूना में। एड्रेस क्या है? थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से हमें बहुत मदद मिली। बच्ची अभी भी ट्रॉमा में है, बहुत डरी हुई है। मुझे लगता है उसे जितना पता था उसने सब कुछ बता दिया है मुझे। थैंक यू वंस अगेन। माय प्लेजर। चल पाटिल सर, फौरन पूना जाओ और पता करो कि ये विकास शिर्के है कौन। हो सर। शिर्के वो सर। चलो पुलिस स्टेशन। सर बोलो तेरी काय लेके चला इसको। होइका ना साहब कुटी को चला।
चल। साहब सही बात है साहब, मेरा पहला पत्नी निम्बू का माँ को मैंने जला के मारा था और बताया था कि वो एक्सीडेंट में मर गई। निम्बू ठीक कहती थी, तू एक राक्षस है। नहीं साहब, मेरे बस में होता ना तो तुझे भी उसी तरह जला देता, लेकिन मजबूर हूँ कानून के हाथों। चलते रहना यहाँ पड़े पड़े। सर ये लोग इस आदमी को ढूंढ रहे। सर ये मेरे पति है। मावशी तुम्ही काय करते इकडे भाऊशी? एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं इन्हें? हाँ सर, ये रमाकांत भाऊ की आए हैं, ये सावित्री दामले, इनके पति इनके छोटे बेटे के साथ रहते हैं बारामती में, और ये अपने बड़े बेटे के साथ मुलशी में रहते हैं। हम सब लोग एक ही गांव से हैं सर। आखिरकार पुलिस ने गुमनामों का नाम खोज निकाला। बच्ची की पहचान निम्मो उर्फ नम्रता और वृद्ध महिला की पहचान सावित्री दामले के रूप में सामने आई। कत्ल की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी, लेकिन पुलिस जी जान से अब कड़ियां जोड़ने में लग गई। सर जो डेड बॉडी मिली थी नितिन की, उसका सेल फोन ऑन हो गया, फोन से उसका लोकेशन भी ट्रेस हो गया सर, और पवार को मैंने एड्रेस दे दिया। ठीक है पाटिल, पवार को लेके जाओ, उठा के लाओ उसे। काका एक क्वार्टर दो ना। और साहब पकिया, ए पकिया सर, सब 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 अरे सब अरे अरे साहब मेरे को काय को साहब अरे सर रुको अरे साहब क्यों मारा नितिन साहब? सब मैंने ही उसको मारा। ठीक है ठीक है। अरे चोर 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 अरे रुक चोर चोर सर अब यहीं पे बाय बाय आजी। बाय बाय बेटा। आना मेरे घर पे, शुभम के साथ खेलने को आएगी ना? कहाँ पे आना है? रमाकांत के घर पे। हाँ आई, खाना खाने चलो। सुनो जी सर, रमाकांत
आपके घर की कोई बुजुर्ग औरत मिसिंग है? जी। तो अब तक पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? सर वो मेरी माँ है। अल्जाइमर की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया था, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऊपर से उसका इलाज का खर्च, और इलाज करवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसको मंदिर में छोड़ने का प्लान बनाया था। आई इकड़ेच बस मी ये तो सोचा था कि वहां छोड़ दूंगा और उसको अपनी बीमारी की वजह से कुछ याद भी नहीं रहेगा। आज गुरु क्यों जी, ये आप ही का घर है, आप यहां रहती हैं, पहचाना आपने? मैं यहां रहती हूँ। हाँ जी, आओ बैठो। आपकी बीमारी की वजह से आपका बेटा आपको यहां से दूर उस मंदिर में छोड़ाया था। आप जानती हैं जी, आपकी बीमारी की 100 बुराइयों के साथ साथ एक अच्छाई भी है। जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाएंगे और जिंदगी को नए तरीके से शुरू करेंगे। आपका पोता आपका इंतजार कर रहा है। आखिरकार पुलिस ने इस उलझे हुए और बेहद पेचीदा केस को कुछ ही घंटों में सुलझा दिया, और इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। आई मुझे माफ कर दे। बुजुर्ग महिला सावित्री दामले क्या वाकई अपने बेटे को भूल गई थी, या फिर अपने बेटे की करतूतों को जानकर उसे अपना बेटा पराया लगने लगा था? सावित्री के पास कम से कम अल्जाइमर जैसी बीमारी का बहाना तो था, जिसके पीछे उसने अपने दिल के दर्द को छुपा लिया था। लेकिन ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके पास ना तो कोई ऐसा बहाना है और ना ही कोई रास्ता। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर जब माता पिता को बीमारियां जकड़ लेती हैं, कमजोरी पकड़ लेती है, तो वो अपने बच्चों से आस लगाते हैं कि उनके जीवन का ये अंतिम चरण आसानी से गुजरेगा। लेकिन जब रिश्तों की हकीकत सामने आती है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी? अपनी औलाद पर होने वाले गर्व और अभिमान को जब वो तार तार होता देखते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा? नम्रता को एक अनाथ आश्रम में और सावित्री को एक वृद्धा आश्रम में आश्रय मिला। आज जो जवान है वो शायद ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन उन्हें भी इस अवस्था से गुजरना है। अगर ये याद रहेगा तो शायद ऐसी भूल कभी नहीं होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100.1 को। सीख हम सब। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.